हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो एलपीजी वाल्व है या कोक भी बोलते हैं इसको, इसको किस प्रकार से हम गैस स्टोव के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो विशेष बात ये है कि इसमें कई प्रकार के आते हैं, जैसे ये 90 ग्राम का है, 70 ग्राम का भी आता है और इससे हैवी भी आते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी का हैवी लेना चाहिए ताकि लीकेज नहीं रहे। तो चलिए इसको कैसे चेंज करेंगे वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले गैस को जला के देखते हैं किस प्रकार से इसकी फ्लेम है और इनको चेंज करने के बाद क्या अंतर पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये गैस चूल्हे की फ्लेम है और चेंज करने के बाद भी आपको चेक कराऊंगा कैसी फ्लेम आती है। दूसरी साइड से और चेक करते हैं तो ये अभी दूसरी साइड की फ्लेम है, जो छोटा बर्नर है उसकी फ्लेम है। बंद करते हैं। इन्हें चेंज क्यों कर रहा हूं इसका कारण बता दूं। ये सबसे पहले तो हल्के से ये टाइट है और ये स्मूथ रनिंग वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सेफ्टी के लिए इनको चेंज कर दिया जाए। और ये जो नोब है ये भी ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके ये टाइट हो जाती है और यहाँ से थोड़ा लीकेज का डाउट है, तो साथ में लीकेज भी चेक करते हैं। पहले इसको हम इस कटोरी में डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कटोरी में निकाल लिया, इसको थोड़ा पानी मिला लेंगे। पानी मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़े झाग बन जाने चाहिए, अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस प्रकार का कपड़ा लेंगे, थोड़ा भिगो लेंगे और अब हम देखते हैं लीकेज को। आप साबुन आदि का यूज कर सकते हैं, सर्फ का यूज कर सकते हैं, झाग होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है। तो चलिए यहाँ हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कहीं कोई लीकेज दिखता है क्या। तो यहाँ देखिए ये जो हल्का हल्का आपको लीकेज नजर आ रहा है ये गैस लीक है। तो इस प्रकार से आप गैस भी चेक कर सकते हैं। तो ये हल्की गैस जो लीकेज है इससे बचने के लिए मैं नया ही इसमें जो कोक है या वाल्व है उसको लगा देता हूं। यहां दूसरी साइड भी थोड़ा लगा के देखते हैं लीकेज मिलता है क्या। तो यहां इस साइड मुझे कोई लीकेज नजर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आप भी गैस का लीकेज भी चेक कर सकते हैं। तो अगर लीकेज होगा तो बबल्स बनते रहेंगे और आपको लीकेज का इजीली पता लग जाएगा। इसी प्रकार पूरी पाइप को भी चेक कर सकते हैं, कहीं से भी आप हैं वो लीकेज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे खोलें और चेंज करें वो देख लेते हैं। अब कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं, ये जब आप वाल लेकर के आए तो क्या करना है आपको, लीकेज चेक करना है और वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। यहां आप देखिए अभी ये ऑफ कंडीशन है। इस ऑफ कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां से मुंह के द्वारा हवा खींचेंगे। अगर ये हवा खींच रहा है तो इसका मतलब ये लीक है यहां से, तो आप उस वाल की जगह दूसरा वाल लें, ये आपको चेक अवश्य करना है। अगर आप इसे यहां पर मिड में करके हवा खींचेंगे तो यहां से मुंह से हवा खींचेंगे तो यहां से एयर आनी चाहिए और फुल फ्लो में आनी चाहिए, और यहां पर आप करेंगे तो हल्की हवा खींची जानी चाहिए, बहुत ही हल्की हल्की हवा बाहर आएगी। इसके अलावा आपको क्या देखना है, इसकी ये जो यहाँ चूड़ी बनी हुई है ये बिल्कुल क्लीन साफ होनी चाहिए। यहाँ का सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन और साफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी बिल्कुल क्लीनिंग होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और यहाँ से भी बिल्कुल प्लेन साफ होना चाहिए। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे नया लेते समय। इस वाल्व के अंदर यहाँ पर आपको इस प्रकार की ये वाशर चाहिए होगी। ये वाशर दो प्रकार की आती है,
एक ये मोटाई लिए हुए और एक बारीक है। ये देखिए एक वाशर है वो मोटाई लिए हुए और एक बिल्कुल बारीक है। अकेली वाशर से काम चल जाता है और अगर सेट नहीं बैठे तो एक इस प्रकार की ये पतली वाशर आप उसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर लेंगे और उससे ये स्क्रू खोलेंगे। अगर ये टाइट है तो WD-40 आप इसमें थोड़ा लगा सकते हैं, उससे क्या होगा ये रस्ट आदि निकल जाएगी। तो थोड़ा लूज कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो गैस सिलेंडर है यहाँ का जो वाल्व है उसको हमें बंद करना होगा। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ और आप चाहें इसे निकाल ही दें। निकालने के बाद इसका जो कैप है वो गैस सिलेंडर पे वापस लगा दें। ठीक है, तो अब आप सेफली काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फायर स्टॉप का ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इस प्रकार का भी आप अपने पास रखें और बच्चों को पास ना रखें। लाइट का स्विच है ऑन ऑफ ना करें, ये सावधानियां आपको रखनी है। तो खैर यहाँ के ये दो स्क्रू और यहाँ के ये दो स्क्रू आप खोल लेंगे तो बिल्कुल ये जो अंदर का पाइप है ये अलग हो जाएगा। ऊपर का पार्ट निकाल देते हैं दोनों साइड से भी। गरम ना हो देख लें आप इसको, कम से कम जलाने के आधे घंटे बाद इसे यूज करें। गैस स्टोव को अब उल्टा करेंगे, यहां से भी इसे खोलेंगे। मिक्सिंग ट्यूब को बाहर निकाल देंगे, तो ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने बाहर निकाल दिया है और इसमें आप टेप वगैरह तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, आप चाहें तो टेप का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वरना अकेली वाशर है वो भी अच्छा काम दे जाएगी। तो अब ये जो नया हमारे पास स्कोक है जो वाल्व है उसको हम यहाँ लगाएंगे और ये वाला जेट खोल के इसमें फिट कर देंगे। पहले तो कस देते हैं इसको, एक वाशर लगाएंगे यहाँ पर और वाशर लगाने के बाद इसे आप कसेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो वाल्व होते हैं ये दोनों साइड के सेम ही होते हैं, केवल जेट के कारण ही गैस में फर्क पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ आकर के ये बिल्कुल टाइट हो चुका है, काफी टाइट हो गया है। इसका मतलब एक वाशर है उसी से आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद ये तो लीकेज चेक किया, यहाँ से लीकेज चेक कर लेंगे हम गैस सिलेंडर में लगाने के बाद। तो यहाँ ये बिल्कुल टाइट हो गया है, अब हमें क्या करना होगा, इसे प्लास से पकड़ करके घुमाना होगा। अगर आप हैवी लेके आते हैं तो ठीक रहता है क्योंकि उसके क्रैक होने का डर नहीं रहता है। पूरा आपको इसको 90 डिग्री पे करना है, केवल अनुभव हो तभी ये काम आप घर पे करें। अगर आपको इसका अनुभव नहीं है तो प्लीज ये काम आप ना करें। ये देखिए इस प्रकार से इसको आपने 90 डिग्री पे रख देना है बिल्कुल। तो ये हमारे फिटिंग हो चुका है बिल्कुल। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये पुराना जेट खोल लें, अगर आपके पास नया है तो आप नया भी लगा सकते हैं और प्लस से इसे खोल लिया है और वैसे 8 नंबर की चाबी से ये खुल जाता है। इसको साफ करने की जरूरत है तो आप इसे पेट्रोल से या WD-40 से इसको साफ कर सकते हैं। इसके अंदर जो होल है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए।
तो ये आपको जो होल है बिल्कुल गोलाई में अच्छी तरह से दिखना चाहिए इस प्रकार से। और अंदर से भी चेक करवाते हैं, देखिए यहाँ अंदर से भी इसको थोड़ा साफ करेंगे, और नहीं तो 5-10 रुपए का नया आता है, बिल्कुल नया ही आप फिट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इसे पूरा क्लीन कर लेना है, अंदर से बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब हम इसे लगा देते हैं। इसे ज्यादा टाइट ना करें, क्रैक हो जाएगा, टूट सकता है। बस तो अभी मैंने इसे रेगुलेटर को वापस गैस सिलेंडर पे लगा दिया है, और अब लीकेज टेस्ट करके बताता हूँ आपको। यहाँ से लीकेज चेक करना है, तो अगर यहाँ लीकेज होगा तो बबल आपको दिखाई देंगे। यहां से भी चेक कर लें, ये देखिए यहां से ये लीक है। ये देखिए हल्की हल्की अभी भी गैस इसमें लीक है। ये यहां से गैस आ रही है, इसका मतलब ये जो वाल्व लेके आए हैं इसमें से लीकेज है। लेकिन ये क्या होगा, बहुत कम लीक है, ये 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। जब आप इसे बार बार यूज करेंगे तो वो क्या होगा, अंदर से घिस करके सेटिंग हो जाएगा और ये लीकेज है वो बंद हो जाएगा। 1-2 दिन में भी अगर लीकेज बंद नहीं हो तो इसका मतलब ये वाल्व है, आपको और अच्छी क्वालिटी का डाल देना चाहिए इसमें। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको बताया वाल्व या जो कोक है इसे कैसे चेंज करते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरी साइड की कोक को भी चेक करेंगे और उसका लीकेज टेस्ट भी करेंगे। गैस का काम है तो आपको बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। ये अभी नया जो वाल्व है कोक है उसको लगाने के बाद टेस्ट करते हैं इस प्रकार से। तो देखिए वाल्व को चेंज करने के बाद हल्का हल्का ये फिर भी आ रहा है, तो ये तो रहता ही है भले ही आप नया गैस स्टोव लें, लेकिन इसकी जो रनिंग है बहुत ही स्मूथ हो चुकी है, और 2-4 दिन में ये बिल्कुल और भी स्मूथ हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।